रायबरेली विवाहित गर्भवती महिला की पीट पीट कर मार डाला। शीघ्र राख मिटाने के लिए शव को जला दिया। राख व बचे अवशेषों को नहर में फेंक दिया गया। रायबरेली डीही थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्भवती महिला को पति ससुर व दो देवरों के मिलकर पीटा और मार डाला और शव को अंदर जला दिया एवं किसी न किसी को पता चले इसके लिए राख को पास पीस कर नहर के में जाकर फेंक दिया। मृतका की बहन की तहरीर पर पति ससुर समेत दो देवर पर हत्या करके शव जलाने का मामला दर्ज करवाया गया है। सलोन क्षेत्र कार्य विनीत सिंह व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मृतका के शरीर की हड्डी व टुकड़े बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के संगीपुर थाने के गोपालपुर निवासी विद्या देवी पत्नी राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए तहरीर दी कि इसकी बहन उर्मिला 27 वर्ष की है। इसका विवाह 10 वर्ष पूर्व पहले उजागर महजे डीही निवासी पूर्व प्रधान करमचंद्र के पुत्र वरेंद्र कुमार के साथ हुआ है। मृतक की बहन विद्या को तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद सीओ सलोन विनीत सिंह व धीरक्षक जी पे यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने को बुलवाया गया। फोरेंसिक टीम के डॉक्टर प्रतिभा ने घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य संकलन किया। इसके बारे में थानाध्यक्ष जेपी यादव ने बताया कि घटना 4 जनवरी की रात की है। उसके पति रविंदर ने 10 जनवरी को पत्नी की गुमशुदा होने का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जाँच करने के बाद पता चला कि पूरा परिवार घर से भाग गया है। इस दौरान उसकी बेटी रिश्तेदारी में होने के लिए जानकारी मिली है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस